हेलो भाई, मेरा नाम अंकित कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है रीजनिंग टेस्ट EKC। मैं इस ट्रिक में समास बताएंगे, जिस समास में से लगभग 5 नंबर पूछे जाते हैं 10 और 12 क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में 5-10 नंबर के लिए मेरे वीडियो में बना रहिए, और 5 मिनट से 7 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए, मैं वीडियो को चालू कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें खाली ट्रिक है। अब आइए, समास यहाँ पर है। समास, समास किसे कहते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द के बीच में विभक्त हटाकर उसके मिलने से जो शब्द बनता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द को के बीच में से विभक्ति सॉरी वहाँ पर गलती हो गई विभक्ति हटाकर उसमें से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं समास। जैसे में गंगा जल, गंगा जल, गंगा गंगा जल। मान लीजिए कि ये गंगा जल हो गया, तो ये गंगा गंगा में जल, गंगा में जल। इसी तरह गंगा जल का क्या होगा? गंगा में जल। अब आइए, समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। देखिए, 1 नंबर है अविवाही समास। अविवाही समास किसे कहते हैं? इसको ट्रिक देखिए, सिंपल ट्रिक। जिस समास में उपसर्ग बनकर आता है, जिस समास में उपसर्ग बनकर आता है उसे कहते हैं अविवाही समास। जैसे में अपमान, देखिए यहाँ पर समास बनकर आ रहा है अपमान, अपमान अप यहाँ पर बनकर आ रहा है अकस से मान, अपमान। यानी कि समास का जिस समास में उपसर्ग बनकर आता है वह अविवाही समास कहते हैं। ये जो है, ये उपसर्ग बनकर आया है, इसे समास कहते हैं। जैसे में अभिमान, अभी जो है बनकर आया है उपसर्ग, यानी कि अभिमान। इसी प्रकार से अनुभव, अनु क्या है? उपसर्ग है। इसी तरह प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो ये प्रतिदिन, ये हो गया मेरा अविवाही समास। अब दूसरा समास क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में कारक चिन्ह बनकर आता है, जिस समास में कारक चिन्ह बनकर आता है वह कहलाता है तत्पुरुष समास। जैसे में कन्यादान, कन्यादान, राजपूत, देवघर। देखिए, कन्या, कन्यादान, कन्या जो है, कन्या क्या होगा? तत्पुरुष समास। इस दोनों को मिला देंगे तो कन्यादान, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजपूत, इसमें देखिए राजपूत 2 शब्द आ रहा है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसी तरह देवघर, देवघर में भी डबल आ रहा है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसी तरह नेत्रहीन। अब देखिए, ये तीसरा समास, तीसरा समास क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? जिस समास में विशेषता बतलाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में नील कमल, जैसे में नीला जो है कमल। इसी तरह काली मिर्च। इसी तरफ आइए, महापुरुष, महान जो है पुरुष है। कौन इसमें महान है? पुरुष क्या है? महान। इसमें क्या है? मिर्च है। इसमें क्या है? कमल। अब देखिए, ये चौथा समास क्या है? द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद संज्ञा बनकर आता है उसे कहते हैं द्विगु समास। जैसे में त्रिभुवन, ये त्रि क्या है? संज्ञा है, कोई एक संज्ञा है, त्रिभुवन।
यानी कि त्रि जो है एक संज्ञा है। इसी तरफ आइए नवरात्रि, नौ क्या है एक संज्ञा है, नौ क्या है संज्ञा है, इसे संज्ञा कहते हैं। तो ये नवरात्रि, नवरात्रि में क्या है संज्ञा बनकर आया है नौ। इसी तरफ देखिए पंचमी, पंच 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 में भी पांच का पांच आ रहा है, इसमें संज्ञा आ रहा है तो इसे कहते हैं द्विगु समास। अब छठा देखिए, सॉरी पांचवा द्वंत समास, किसे कहते हैं द्वंत समास में क्या होता है, जिस समास में जोड़ा बनकर आता है, जिस समास में जोड़ा बनकर आता है उसे कहते हैं द्वंत समास, उसे द्वंत समास समास कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि माता पिता, माता पिता ये जोड़ा बनकर आ रहा है, माता पिता क्या होगा द्वंत समास होगा। इसी तरफ भाई बहन, भाई बहन द्वंत समास, चाचा चाची, चाचा चाची, रात दिन, रात दिन, देखिए सब में जोड़ा बनकर आ रहा है, सब में जोड़ा बनकर आ रहा है तो इसे कहते हैं द्वंत समास, द्वंत समास कहते हैं। अब छठा देखिए, छठा क्या है बहुवृद्धि समास, बहुवृद्धि समास किसे कहते हैं, देखिए जिस समास में देवी देवता का नाम आता है, जिस समास में देवी देवता का नाम आता है उसे कहते हैं बहुवृद्धि समास। मान लीजिए कि जैसे में लंबोदर, लंबोदर भी एक देवता का नाम है, कोई देवता का नाम है लंबोदर। नीलकंठ, नीलकंठ भी देवता का नाम आता है, नीलकंठ भी देवता का नाम आता है। ये बहुवृद्धि समास में क्या होता है, जिस समास में देवी देवता का नाम आता है उसे कहते हैं बहुवृद्धि समास। दयानंद, ये देखिए ये भी एक देवता के भी नाम आ जाएगा, जिस माने जिस समास में देवी देवता का नाम आता है उसे कहते हैं बहुवृद्धि समास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके इससे पहले जो है वो एक वीडियो बनाए हैं, जिस वीडियो वो है संधि का, जो संधि का वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर पहले देखिए, उसमें भी ट्रिक है। और एक वो वीडियो संधि वाला और एक समास वाला, दो वीडियो है, ये दोनों वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से लगभग दसवीं और बारहवीं पूछे जाने जाएगा प्रश्न है, तो उसमें से दो वीडियो में से लगभग बारह से दस नंबर का पूछा जाता है, दस बारह नंबर पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर शेयर करिए कि आने वाला पेपर के दिन सर्च ना करें। और मेरा चैनल का नाम है रीजनिंग टेस्ट 1 के सी।